जी, तो आपको इस रिपोर्ट से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस हवाले से बात करने वाले हैं, डीप फेक को लेकर, उससे चैलेंजेस को लेकर। दो के टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियां भी की हैं, वहां पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको अभी से संभालना बड़ा ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे। उमर रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, ये कॉन्टेंट क्रिएटर भी हैं, टेक एक्सपर्ट भी हैं, डिजिटल वर्ल्ड को बहुत बेहतर अंदाज में समझते भी हैं। थैंक यू वेरी मच उमर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। और सबसे पहले तो थोड़ा सा ये हमने रिपोर्ट में बताया, हम चाहेंगे आप मज़ीद इसको एलेबरेट कर दें कि डीपफेक है क्या बेसिकली। बेसिकली डीपफेक जो है ये एआई की डीप लर्निंग है। इसमें प्रोसेस ऐसे होता है कि जो मशीन है वो ट्रेन होती है कि जैसे एक सोर्स है जो आपने, और एक टारगेट होता है कि आपने फेस रिप्लेस करना है या आपने आवाज़ को उसको रिप्लेस करना है, तो वो पहले प्रोग्राम है उसके अंदर वो उसको जनरेट करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसके पॉइंट्स हैं, इसका डिफरेंट एनालिटिक्स और सारा कुछ उसका जनरेट करेगा। उसके बाद फिर जो आपका जो टारगेट है उसको जो है वो उसके ऊपर वर्क करता है, और जब इसका दोनों का डाटा ये मिल जाता है इसका, तो इसको बेसिकली एक ये गैन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये इसको असेस करता है कि क्या क्या ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से इसने ब्लेंड करना है, क्या क्या चीज़ इसने करनी है। और उसके बाद फिर आता है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है जो जनरेट करता है जिसको जनरेटिव इनकोडिंग कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है उसके अंदर ये उसको खुद ही काउंटरैक्ट भी कर रहा होता है कि ओरिजिनल के साथ वो मैच करता रहता है कि क्या इसमें गलती है। तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ है उसमें ये होती है कि जो ओरिजिनलिटी होती है उसमें आपके फीचर्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, ब्लिंकिंग होती है, और ये एक्चुअली फ्रेम बाय फ्रेम इसको एक्सचेंज कर रहा होता है। तो जब अब इसके अंदर जो है जो इनिशियल आपने सोर्स वीडियो ली है उसको अगर जब चेंज करते हैं, तो आपके पास अगर उतना डाटा सेट कम्प्लीट ना हो तो उसके अंदर छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, गलतियां होती हैं, वो वापस उसको भेजता है, उसको करेक्ट करता रहता है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने बहुत टेक्निकलिटी के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा था कि दिस इज ये होता ऐसे हाउ इट वर्क्स। लेकिन इसका होता क्या है कि ये जब जनरेट हो जाता है तो इसके अंदर इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर भी है। तो बेसिकली डीप फेक के अंदर जो है इसकी एक होती है कि पहले बहुत टाइम लेता था बनते हुए, इट यूज़ टू टेक लॉट ऑफ आवर्स, लाइक 12 आवर्स से लेके 36 आवर्स तक आपने फ्यू सेकंड्स की वीडियो बनानी है। लेकिन जैसे जैसे एआई जो है एडवांस हो रहा है, इट इज़ गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर, और ये कन्वीनियंट हो रहा है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, और पहले जो सॉफ्टवेयर थे देवर नॉट एक्सेसिबल वेरी इजीली, और अभी आप गूगल के ऊपर जाके देखें तो आप सिर्फ सर्च करें और आपको ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आपको फ्री में आप कर सकते हैं, और वो इतने स्ट्रॉन्ग जो उनकी टेक्नोलॉजी है कि दैट आप जब फेस स्वैप करते हैं तो इट्स क्वाइट हार्ड फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू रिकॉग्नाइज कि इसके अंदर क्या हुआ है। ये हमने माजी में देखा भी है कुछ ऐसे एग्जांपल्स, अभी इवन द नियर पास्ट हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि सोशल मीडिया के पर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हों, ब्रिटिश जो उनका रॉयल फैमिली है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो एआई के ज़रिए चेंज की गई हैं, एंड इट्स वेरी अलार्मिंग। दो के आप कह रहे हैं कि इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन इट्स वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम। देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और उसके बुरा भी होता है, लेकिन हमारे एक चीज़ है कि हमारी एजुकेशनल जो जिसे कहते हैं अवेयरनेस नहीं है कि डीपफेक का क्या मतलब। एक तो हमें अवेयर करना चाहिए कि डीपफेक है क्या, और दूसरी बात यह कि उसकी एक सेकंड साइड है कि हमें ये भी एथिकली भी ट्रेन करना चाहिए कि किसी को आप मिसलीड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। जैसे अब पॉलिटिकल जो है इसका अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा उनको है, क्योंकि वहाँ पे डीपफेक जनरेट करके लोकल जो उनके जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और सेम हैपन्स इंडिया के अंदर बहुत हुआ है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो यूरोपियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने तो बताया कि अब पहले वो 70-80% कहते थे कि ये टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ स्ट्रॉन्ग, अब वो 90-97 है। उन्होंने जो है एक्सपर्ट्स हैं उनको वीडियोस भेजते हैं, और समटाइम्स वो वीडियो इस वजह से उनको पता लगता है कि उनको ऑलरेडी पता है कि मैनिपुलेटेड वीडियो है, क्योंकि उसको करने के हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ऐसी ही बात है, और पहले तो होता था कि आपके पास एक वीडियो है, किसी के रिकॉर्डेड वीडियो है और आपके पास रिकॉर्डेड डाटा सेट है, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है आपको बहुत डाटा चाहिए होता है, क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, मूवमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू हैव ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अब एक चीज़ आई है जो कि आपको भी लाइव जो है फेस स्वैपिंग भी हो जाती है, लाइव फेस जी, आपके कैमरा लाइव है, और ये तकरीबन फ्यू मंथ्स बैक टेड टॉक के ऊपर जो है एक कैनेडियन कंपनी है उन्होंने वो लाइव शो करके दिखाया है। अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई है कि उन्होंने ऑडियंस में से फेस स्वैप किया है, जो कि एक नॉर्मल उन्होंने जो बंदे आए हैं उनके साथ उन्होंने जो स्पीकर थे
उनके साथ उन्होंने फेस स्वैप करके उसके अंदर दिखाया। अच्छा, अब उमर इसका सलूशन क्या है या इस पर चेक इन बैलेंस का क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया ठीक है, फ़ायदे हैं, चीज़ें आसान हुई हैं टेक्नोलॉजी वाइज, बट दिस थिंग, बिकॉज हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी देखा, दे वर वेरी कंसर्न कि उनकी कुछ अजीबो गरीब वीडियोज़ आई डिजिटल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डीप फेक। अब इस पर चेक एंड बैलेंस के लिए क्या चीज़ हमारे पास मौजूद है और क्या होना चाहिए? देखिए, लॉज तो हमारे पास हैं, लेकिन वो सिर्फ एक डिजिटल आइडेंटिटी या मिस इन्फॉर्मेशन उस तक हैं। जो डीपफेक है इसके हवाले से अगर आप देखें तो डीपफेक के हवाले से हमारे अभी कोई लॉज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि कोई एडिटेड जो सिंथेटिक जो कंटेंट आता है, पहले तो पिक्चर्स आती थी तो हमें पता था कि जी एक वर्ड था फोटोशॉप, उसमें आपको आइडिया हो जाता था। लेकिन अब जो है इट इज़ लाइक अब वीडियोज हैं और नॉर्मल पर्सन जो है यू कैन नॉट रिकग्नाइज, और एक जो फ्लो है उसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो वो आपको नहीं पता लगता। और इसको देखने के लिए ना आपको बहुत मतलब कि ना चीज़ें हैं जो से आप देख के डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो माइंड है, इफ़ इट्स लाइक आपको अगर पब्लिक के अंदर कोई चीज़ आती है तो लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है कि डीपफेक क्या चीज़ है। बिल्कुल, हम एक लेमैन के लिए तो ये बिल्कुल एक एवरेज सी चीज़ है, इसको नहीं समझ आएगी। तो दे विल कम टू कंक्लूजन कि दिस इज रियल। तो वो उसमें ये है कि जो इसकी एक तो एप्लीकेशंस हैं कि जैसे सोशल नेटवर्क्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जब अपलोड हो रही होती है चीज़, क्योंकि उनके पास डाटा है, क्योंकि जो आपकी जो फेशियल जो सोर्स है वो वहीं से उठाई हुई है, जो टारगेट है वो भी वहीं से उठाई हुई है, तो उसको चाहिए कि वो उसकी आईडी चेक करें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी आईडी है और एक वेरीफाई कंपनी है, वी वेरीफाई, वो भी करती है, लेकिन ये कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वर्क कर रहे हैं वो, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कि आप जब फेक कॉन्टेंट डालते हैं तो उसको वो उसी जगह पे रिजेक्ट कर दे। हाँ, फिल्टर कैसे हो जाए वो किसी हाँ जी, तरह से इस पॉसिबल है, क्योंकि देखें जैसे जनरेट हो रहा है वैसे ही सॉफ्ट जो है उसको ट्रैक करने वाला भी है। तो इसमें बात आती है कि कैसे इसको, यूजुअली लोग मेरे से भी पूछते हैं कि इसको ट्रैक कैसे करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा चीज होती है कि आपके जो चेहरे के फीचर्स है ना, ये आप इसमें ना एक्सप्रेशन होगा बहुत स्टिल होगा, अगर स्माइल होगी तो अननेचुरल होगा, और उसके बाद जो आईज हैं, स्पेशली जो आईज़ का जो होता है कि आपकी एक तो ट्रैकिंग नहीं होती कि एक फेस इधर है तो क्योंकि आपने जिसका डाला हुआ है उसका मैच जो है ना सीन नहीं होता। फिर ये है कि मिस अलाइनमेंट होती है, आप मतलब तेज़ में देखें, अगर आप थोड़ा स्लो करें ना वीडियो को, क्योंकि ये फ्रेम बाय फ्रेम बनी होती है, किसी ना किसी फ्रेम में आपको जो है उसमें पिक्सलाइजेशन नज़र आएगी और जो जो नाक है या आईज हैं वो जो है ना वो क्रॉस होते हैं। अच्छा, ये तो आप वो वाली बात करें जो शायद आप, मैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ऑब्जर्व कर लेंगे जब वो किसी चीज को वेरीफाई बैक ऑफ द माइंड करना चाहते जी, हैं जी, जी, जी। लेकिन एक आम आदमी है जिसने आपको, मैं उन इलाकों की बात कर रही हूँ, उन जगहों की बात कर रही हूँ जिनको लोगों को सिर्फ स्मार्टफोन का इस्तेमाल पता है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि क्या वीडियो देखनी है और उसको शेयर का एक बटन दबाना है, उन लोगों के लिए भी तो ये एक डिफिकल्ट चीज़ है कि वो कैसे वेरीफाई करेंगे। उसके लिए ऐसे है कि वेरिफिकेशन के लिए आप अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। तो उसमें कैंपेन्स हैं, लोगों को स्कूलिंग की होनी चाहिए, उनके अंदर बताना चाहिए कि जी ये ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। उसको पॉजिटिव भी है, देखें डीप फेक जो है AI हैज़ आपकी जो एक वर्ल्ड की जिस प्रोसेसिंग है उसको तेज़ कर दिया। आपके पहले काम होते थे आपको इंडिविजुअली करने पड़ते थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये इतना इसने तेज़ कर दिया है कि आपके जो मेडिकल आपकी जो है उसके अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई हैं इसकी वजह से। सोशल मीडिया जो हमारी फील्ड है उसके अंदर जो अगर आप देखें तो यू कैन क्रिएट जनरेट अ लॉट ऑफ कंटेंट, वो सिर्फ AI की वजह से। लेकिन सिर्फ एक मसला ये है कि हम उसको प्रॉपरली चैनल करें अगर लोगों के साथ, तो लोग उससे अवेयर होंगे और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी बताएं उसके ऊपर, उतनी ही जो मिसलीडिंग है या आप गलत किसी की चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर उतना ही कैप भी होना चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए। हाँ। या उसको, ताकि वो लोगों को फिर एक फियर भी होगा भी मैं डाल रहा हूँ ये जोक नहीं है। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ डीप फेक की हद तक नहीं है, हमारे डिजिटल के ऊपर मैं ये नहीं कह रही कि हर कॉन्टेंट कंट्रोल होना चाहिए या हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बट हमें एटलीस्ट इस तरह का कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जिसपे हमें ये चीज़ पता हो कि जो चीज़ें अफवाहें या फेक न्यूज़ है, फेक तरह की वीडियोस हैं या डीप फेक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें फिल्टर होकर एक आम पब्लिक तक पहुँचे। कंटेंट पे कमांड या एडिटोरियल पॉलिसीज हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक कंटेंट की ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं। सो आई गेस स्टेट को भी इस हवाले से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अभी से लेना पड़ेगा। देखिए, उसमें ये होता है कि एक फ्री जो है ये इसके अंदर अब इतना डाटा आ रहा है, अभी आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर देखें देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, आपकी पिक्चर्स हैं पॉलिटिकली मिसलीडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत गलत है, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है,
अगर आपके किसी ने क्या किया है, सीएम ने कुछ किया है, दे आर लाइक टारगेटिंग, उस तरह की टारगेटिंग को जो है ना उसको करना चाहिए कि एक अननेचुरल, आपको पता है कि आप गलत बात को जो है ना वो बना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बिल्कुल ये चीज गलत है। आपको किसी चीज को मतलब एक अपने सेल्फ गेन के लिए या सेल्फ उसके लिए खुशी के लिए ना ये नहीं करना चाहिए। यू कांट डू इट, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब आपको आज ये टॉपिक रखने का मकसद भी यही था कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमें बहुत फ़ायदे दिए हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ की हैं, लोगों का रोज़गार जुड़ा है इस टेक्नोलॉजी या डिजिटल वर्ल्ड से, बट एट द सेम टाइम आप अपने फ़ोन के ऊपर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, ये मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए कह रही हूँ, अगर आपने कोई वीडियो देखी है या कोई ऐसी बात देखी है जो नेगेटिविटी पर मबनी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको प्लीज़ अपने तौर पर वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से वो एक पब्लिक परसेप्शन बनने के लिए एक वो जो कह लें उसकी कड़ी है, अगर आप उस कड़ी को वहीं पर रोकेंगे और ख़ुद से वेरीफाई करके उस बात को आगे फैलाएंगे, तभी आप एक ज़िम्मेदार शहरी हो सकते हैं। और आप हो सकता है आज आप किसी के बारे में करें, कल खुदा न खास्ता आपकी कोई ऐसी चीज़ वायरल हो जिसका ना सच से कोई ताल्लुक हो कुछ हो, और इससे आप भी इफेक्ट हो, आपकी फैमिलीज भी हो। और ये जो डी फेक का कॉन्सेप्ट है और पूरी दुनिया के अंदर लोगों को इतने चैलेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो रॉयल फैमिली हो या आम आदमी हो, सो इट्स ऑल अबाउट कि आप वेरीफाई करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच उमर वंस अगेन, हम आपसे इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ देखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।